अगर आप भी समस्या से परेशान हैं कि जब देखो तब नींद आती रहती है, आलस आती रहती है, दिन में एनर्जी नहीं लगती, जब देखो बस सोने का मन करता है या कहीं बैठे बैठे मुंह फाड़ते रहते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, तो आज आपको आयुर्वेद में बताई गई कुछ विधियों का पालन जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आलस्य आना या बहुत ज़्यादा नींद आना ये तमोगुण के कारण माना गया है। अर्थात ऐसे लोग जिनके मन पे तम गुण का आवरण हो जाता है उन्हें इस तरह की समस्याएं बहुत होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि तीन महागुण हैं, सत्व, रज और तम। तो इसमें से जब तमोभाव तामसिक चीज़ें शरीर में बढ़ जाती हैं, दिमाग में तामसिक गुणों का अधिक्य ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आलस आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इसका इलाज बताते हुए वाग्भट ऋषि अपने सूत्र स्थान के सातवें अध्याय में कहते हैं कि उस व्यक्ति को सबसे पहले तो उपवास करना चाहिए। जी हाँ, तामसिक गुण या फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उपवास कराना चाहिए। उपवास आयुर्वेद के अनुसार अद्रव्य चिकित्सा है, अर्थात इसमें कुछ खाना पीना नहीं करना पड़ता। आज के बोलचाल के शब्दों में कहे तो ऐसे व्यक्ति को फास्टिंग कराना चाहिए या दिन में दो बार या फिर पूरे 24 घंटे में एक बार ही खाना चाहिए। ऐसा करने से जो तामसिक गुण है शरीर का वो कम होगा और बहुत ज़्यादा आलस्य, नींद, ये सब आने की समस्या जो हो रही है वो कम हो जाएगी। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि खाना खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर आलस्य बहुत आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के बाद शरीर में कफ बढ़ जाता है और उपवास करने से शरीर का जो कफ है वो कंट्रोल हो जाता है। इस कफ का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो तमस गुण या फिर तामसिक भाव के साथ है। उपवास करने से कफ कंट्रोल होगा, जो मन में तामसिक गुण है वो कम होगा और जो बहुत ज़्यादा नींद या आलस्य की समस्या है वो कंट्रोल होगी। इसके बाद वो कहते हैं अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता, उपवास करने के बाद भी शरीर में आलस या फिर तामस भाव बहुत बड़ा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म अर्थात शरीर की शुद्धि करना, शरीर की क्लीनिंग करना। तो उसमें जो वमन नाम की चिकित्सा है, वमन अर्थात आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके फिर उन्हें उल्टी करके निकाल देना, इस तरह की जो चिकित्सा है वो विशेष रूप से करनी चाहिए, विरेचन करना चाहिए। और कुछ औषधियाँ हैं जिन्हें नाक में डाली जाती हैं। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें नाक में डालने से जितना भी कफ है वो बाहर निकल जाता है और दिमाग के ऊपर जो कफ की लेयर बनी हुई है, आलस आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, चीज़ें ठीक से पता नहीं चलती है, हमेशा नींद आती रहती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, जिसे कि आयुर्वेद में नश्य कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को पंचकर्म में वमन, विरेचन और नश्य जैसी जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। इन व्यक्तियों के लिए स्वेदन भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, अर्थात भाप लेना या फिर गर्म पानी पीना, गर्म पानी से स्नान करना, स्टीम बाथ लेना, ये भी कफ को कम करने का एक उत्तम उपाय है। और कुछ एक्टिविटी कहते हैं कि उस व्यक्ति को एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि लंघन। लंघन अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ करना जिससे कि शरीर के अंदर हल्कापन आए। धूप में घूमना, जहाँ हवा ज़्यादा चलती है वहाँ पे घूमना, या फिर एक्सरसाइज, व्यायाम करना, इस तरह की चीज़ें करना, उपवास करना, ये सारी चीज़ें करने से जो बहुत ज़्यादा आलस्य निद्रा है वो कंट्रोल हो जाएंगी। चिंता करना, टेंशन लेना, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, नींद आती है, कहते हैं ऐसे लोगों को टेंशन लेना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से शरीर में जो रस धातु है वो कंट्रोल होती है, रस धातु क्षय होती है और रस धातु का डायरेक्ट संबंध कफ के साथ है। तो ऐसे लोगों के लिए टेंशन लेना भी बहुत अच्छी दवा है। जो लोगों को बहुत आलस आता है या नींद आती है तो उनको टेंशन दो या किसी न किसी कारण से उनका टेंशन बढ़ाओ। जिन लोगों का विवाह हुआ है ऐसे लोगों को कहते हैं मैथुन करना चाहिए, क्योंकि मैथुन करने से शरीर में कफ कंट्रोल होता है, या किसी न किसी तरह की मानसिक एक्टिविटी में लगाने के लिए कहते हैं कि उन्हें शोक करना सिखाओ, थोड़ा भय करो, क्रोध करो, इस तरह की जो मानस चीज़ें हैं इनसे, इन्हें करने से शरीर का जो कफ है वो कफ कंट्रोल हो जाता है और जो बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है वो कंट्रोल हो जाती है। चरक ऋषि कहते हैं कि सत्व गुण वाली चीज़ें बढ़ाओ, अर्थात अपना खान पान, अपनी एक्टिविटी ऐसे करो जिससे कि सात्विक चीज़ें आपके शरीर में बढ़ें। और जो चीज़ें शरीर में कफ बढ़ाने का काम करती हैं, जैसे कि दूध है, दही है, उड़द है,
गुड़ के प्रोडक्ट हैं, भारी प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीज़ें जो पचने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेती हैं, या फिर खास करके जो बासी अन्न हैं, बासी प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें बन के 3 घंटे के ऊपर हो गया है, तो इस तरह की तामसिक चीज़ें, मांसाहार है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि शरीर में तमोगुण है वो कंट्रोल होगा और बहुत ज़्यादा नींद और आलस आने की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि बहुत ज़्यादा आलस या बहुत ज़्यादा नींद आना आयुर्वेद के अनुसार कफ के प्रकोप के कारण होता है। तो कफ प्रकोप कम करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पंचकर्म, एक्सरसाइज करना, उपवास करना, मानसिक टेंशन लेना, दिमागी काम करना, इस तरह की चीज़ें करने से कफ कंट्रोल हो जाता है। कफ के कंट्रोल होते ही जो तामसिक गुण है वो कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा आलस और नींद की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।